खबर का रुख करेंगे। खनन माफिया और बहुजन समाज पार्टी को एसआईजी इकबाल उर्फ बाल के घर पर्दे विशाल की टीम है और ईडी की दो टीमें मकार साहिब जहां मेपुर स्थित घर पहुंचे। घर के बाहर भारी तादाद में पुलिस क्या फिलहाल वहां विजन की गई। अब प्रवर्तन ने लखनऊ में पूर्व एमएलसी इकबाल के खिलाफ मुकदमा किया था। ईडी इस मामले की जांच कर रही है। बुधवार को ईडी की टीम लखनऊ से सहारन पहुंची और आसपास पर ये छापेमारी हुई है। इसके बाद खलबली भी मची है क्योंकि भारी संख्या में फोर्स को भी वहां पर तैनात किया गया है। हालांकि टीम में आए ईडी के अधिकारी इस मुद्दे पर मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं, जो और भी इसे दूर रखा गया है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक हाजी इकबाल पर पीएफआई को फंडिंग करने के आरोप हैं और ईडी कुल 13 मामलों में हाजी इकबाल के खिलाफ जांच कर रही है। अब बसपा शासनकाल में हुए बहुचर्चित एनआरएचएम और खनन घोटाले के अलावा चीनी मिलों की बिक्री में हुए घोटाले में भी इकबाल का नाम है। माना तो यह भी जाता है कि इकबाल ने अपनी काली कमाई विश्वविद्यालय के निर्माण और होटल के कारोबार में लगाई। इसके बाद सीबीआई के बाद अब ईडी ने भी उसके ऊपर शिकंजा कसा है। तो पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के घर पर ईडी का जो छापा है वो चाहे कि इसमें मीडिया दूर रखा गया है, पुलिस दूर रखा गया है और ये छापे की जो कार्रवाई है वो चल रही है। कि जो सूत्र हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि पीएफआई से कनेक्शन की बात ही अब, इसलिए ईडी हद्दा की जांच पड़ताल कर रही है। हाजी इकबाल की जो काली कमाई का राज क्या है, उसका सच क्या है, इसको जानने के लिए अभी की भी जो दबे है वो इकबाल के आवास पर मिला था कि सनपुर में मिर्जापुर स्थित उनके घर पर ईडी की जो टीम है वो मौके पर पहुंची है और लगातार जो कार्रवाई है वो ईडी की चल रही है। भारी संख्या में पर तैनात है, आम मीडिया को जा रही है, ईडी अधिकारी कोई बोल नहीं रहे ना कुछ बता रहे हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है उसमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो रही है कि पीएफआई के साथ जो कनेक्शन है उसको भी खंगाला जा रहा है। पीएफआई से जो आरोप है जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में आज कार्रवाई ने आप में महत्वपूर्ण है और देखिए ईडी कार्रवाई के बाद कुछ निकल कर सामने आता है। ईडी ने तरीके से अपना शिकंजा उसमें पीएफआई कनेक्शन खुलासा होता है क्योंकि हाजी इकबाल पर ईडी का जो छापा पड़ा है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण जाता है क्योंकि चले के लोग खनन घोटाले की उस मामले में भी और उनकी जांच सीबीआई है, लेकिन अभी शिकंजा करा है क्योंकि जो काली कमाई और जो अवैध संपत्तियां बनाई गई उसको लेकर के भी जांच पड़ताल है। और कहा यह भी जा रहा है कि होटल व्यवसाय में इस पैसे को इन्वेस्ट किया गया, विश्वविद्यालय में इस पैसे को इन्वेस्ट किया गया और इस लिहाज से अगर पीएफआई के साथ भी कनेक्शन हाजी इकबाल का निकलता है तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और अब ईडी यहां पर छापा मार चुकी है, कार्रवाई कर रही है, लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले बताया चूंकि ना तो स्थानीय पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई ना ही मीडिया के सामने आकर के कोई जो अधिकारी हैं ईडी के वो कुछ बोल रहे हैं, दूरी बनाए हुए हैं, इस वजह से भी अब देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि इस कार्रवाई के बाद दरअसल जो कनेक्शन है वो कहां तक जुड़ते हैं, क्या कुछ ईडी की इस कार्रवाई में यहां से निकल कर सामने आता है और आखिर हाजी इकबाल की काली कमाई का राज क्या है, इसका सच क्या है, ये जानने के लिए ईडी की आज की ये जो छापेमारी है वो बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये कार्रवाई चल रही है पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के जो कि लगातार वहां पर तमाम दस है जो उनका यहाँ अधिकारी हैं पढ़ते हैं और जानने की चाहिए कि ये जो करोड़ बनी उसके पीछे फंडिंग है वो कहां से हुई है और उसमें सबसे गंभीर जो मामला सामने आ रहा है वो पीएफआई कनेक्शन का है। और अब देखना यह है कि पीएफआई कनेक्शन को लेकर के भी ईडी यहां से क्या कुछ खंगालती है, क्या कुछ निकालती है। चंद्रभान हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। चंद्रभान ये बताएं कि हाजी इकबाल की आवाज पर आज छापेमारी हुई है, ईडी वहां पर पहुंची हुई है, क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए आयुष, मैं बताऊं कि ईडी की यहाँ पे टीम पहुंची है, पूर्व एमएलसी हैं बसपा के हाजी इकबाल जो लगातार खनन से जुड़े रहे हैं और उनका कहीं ना कहीं जो सहारनपुर में एक बड़ा इकबाल किसी समय पर चला करता था, हालांकि वो अब नहीं है, लेकिन जो उनकी कई चीजों की उनकी जांच हुई, हालांकि सीबीआई भी उसमें जांच कर रही है, ईडी भी लगातार जांच कर रही है, लेकिन अब प्रवर्तन निदेशालय की जो टीम अब इससे पहले भी हालांकि यहाँ पे आई है, लेकिन अब फिलहाल अभी यहाँ पहुंची है उनके आवास पर, क्योंकि वो चारों तरफ से बंद था और जो है बाद में जो काफी मशक्कत करनी पड़ी ईडी को उनके घर तक पहुंचने के लिए, हालांकि हाजी इकबाल वहां पर नहीं मिले और उनका परिवार वहां पर मौजूद है और उन परिवार को जो है एक अलग कमरे में रखे हुए तमाम तरह की जो वहां पर पूछताछ और उनसे जो कागजात जो है उनको जो है खंगाला जा रहा है। जो ईडी की टीम है करीब जो है 1.5 दर्जन के करीब जो ईडी के जो अधिकारी वहां पे पहुंचे हुए हैं और साथ ही जैसे लोकल पुलिस फोर्स यहां पे जो कि उनके साथ है, जो हालांकि मीडिया को काफी दूर रखा गया है और जो है लोगों को वहां पे आने की किसी को भी अनुमति नहीं दी जा रही है। साथ ही मैं बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले ही हालांकि एनजीटी ने भी एक आदेश जारी किया और उसमें जो है आरसी जारी की गई और उनके जो भाई हैं महमूद अली जो इस समय बसपा में जो एमएलसी हैं और उनके खिलाफ भी जो 50 लाख
लाख रुपए की 50 करोड़ रुपए की जो है आरसी जारी की गई है। साथ ही जो उन्हीं के एक और पार्टनर थे अमित जैन, उनके खिलाफ भी जो है 50 करोड़ की आरसी जारी की गई थी। तो हालांकि मैं ये बताना देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है ईडी की लगातार ये जो जांच जो चल रही है, इससे पहले भी पूर्व में भी ये जाँचें यहाँ पे हुई हैं और सीबीआई की टीम यहाँ पे करीब जो है 1 दर्जन बार यहाँ पे जो छापेमारी कर चुकी है, तमाम दस्तावेज यहाँ से जा चुके हैं और मामला हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये चला था और जो है लगातार ये चल भी रहा है और सीबीआई की टीम भी अपनी कर रही है वहीं जो है। चलिए बहुत शुक्रिया चंद्रवान फिलहाल इस बातचीत के लिए, और देखना यह है कि ईडी के छापेमारी में जो कनेक्शन जोड़ने की बात हो रही है वो कहाँ तक निकलती है।